मैं स्टडी करना चाहती हूँ, बट घर वाले मम्मी पापा ये कह रहे कि जॉब करो। अच्छा, उनका कहना जॉब करो, अब मैं अपने पैरों पर खड़े हो जाए, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ो। तो भाई जब हाय हेलो मैम, आपका नाम बताओगे? हेलो, क्या हो गया, क्या दिक्कत है आपको? मैम दिक्कत कुछ नहीं है, बस आप ऐसे बैठे थे हुए तो मैं सोचा बात करूं। बात कर सकते हो 2 मिनट? नहीं, देखो मैम मैं अभी देख रहा था कि आप वहां पे ना बैठे हुए थे, रो रहे थे, कुछ ऐसा मेरे को लगा, तो इस वजह से मैं सोचा चलो कुछ ज़्यादा परेशान हुए। जाओ ना, क्यों परेशान कर रहे? कोई लड़का वगैरह परेशान कर रहा है? क्यों परेशान हो आप मेरे को बताओगे? नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान देख रहे हो, इस वजह से मैंने आपसे सोचा चलो बातचीत करूँ। जाओ ना यहाँ से, आप इरिटेट क्यों हो रहे हो? क्योंकि जब से आप अकेले बैठे हो, कोई फ्रेंड वगैरह आपका साथ में नहीं, मैं सोचा चलो आपको कंपनी दूँ, बातचीत करूँ। जाओ यहाँ से। ओके सॉरी, देखो पहले तो आप कोई गलत इंटेंशन मत लो, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं आपको बहन बोल रहा हूँ, ठीक है भाई? अपने भाई से तो बात कर सकते हो, मैं आपको बहन बोल रहा हूँ, ठीक है? और ज़्यादा आप गलत उसमें मत लो कि कोई ऐसा लड़का आपको छेड़ रहा है, बातचीत कर रहा है या फलाना ढंग, ऐसा कोई भी सीन नहीं। नाम क्या है आपका? नंदनी। तो मेरे को बताओगे आपको क्यों दुखी, क्यों क्यों सैड हो, बताओगे कुछ अपने बारे में? मैं स्टडी करना चाहती हूँ, बट घर वाले मम्मी पापा ये कह रहे हैं कि जॉब करो। अच्छा, उनका कहना जॉब करो, अब मैं अपने पैरों पर खड़े हो जाए, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ो। तो भाई जब जॉब करोगे तो उसके लिए भी तो ज़रूरी यही है ना कि आप स्टडी वगैरह करो। तो उनको समझाने की कोशिश नहीं की, बातचीत करो उनसे, मान जाएंगे? नहीं मान रहे ना वो। तो घर में और कोई बड़ा भाई वगैरह नहीं है? नहीं है। अच्छा, सबसे बड़े आप ही हो? हाँ। और पापा वगैरह क्या करते हैं आपके? जॉब। वो भी जॉब करते हैं? मम्मी? मम्मी। अच्छा, मम्मी घर पे ही रहती हैं। देखो कोई ना, ज़्यादा कुछ तो मैं अब नहीं कह रहा कि मैं ये कर दूँगा, बता दूँगा आपको। इसके लिए मैं अभी से पहले सॉरी बोला हूँ कि मैं ना ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था, कैमरा लगा के रखा है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो मैं वीडियो भी बना रहा था, मैं सोचा चलो अगर कोई वैसी प्रॉब्लम हुई तो हम इसको लोगों को बता दूँ। मैं सोशल मीडिया पर काम करता हूँ, तो वहाँ के लिए एक क्लिप, अगर आप चाहो, आपकी परमिशन हो तो मैं इसे अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है? अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और देखो आपको मैंने बहन बोल दिया, नंदनी। यस, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, हो सकता है मैं आपके पापा से बात कर लूँगा, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम है, हम सारे लोग मिल के काम करते हैं, हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ या कोई पार्ट टाइम आपको काम दिलवा दूँगा, ठीक है? जैसा भी है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और अगर आप चाहो तो मुझे अपना कोई भी सोशल हैंडल दे सकते हो, अदरवाइज आप नंबर वगैरह जैसा भी आपका चाहिए दे सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। तो क्या इंस्टाग्राम दोगे या अपना नंबर दोगे? नंबर दो, नंबर ही दे दो, ठीक है? कहाँ पे रहते हैं यहाँ पे? द्वारका। द्वारका में रहते हैं? चलो कोई ना, नंबर तो टाइप कर दो। ये नंबर चालू है ना, कॉलिंग हो जाएगी? चलो ठीक है, मैं कॉल करूँगा। देखो अगर मेरे से कोई भी अगर हेल्प हो पाएगी मैं करूँगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है? एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा, कुछ खाया पिया सुबह क्या? ऐसे ही बैठे हो? ऐसे बैठे। चलो कुछ खिलाऊं? चलो आपको नहीं, अरे भाई बोल रहा है खिला देता हूँ, कहते कहते खिला। चलो चलते हैं, ठीक है? है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैं खिला सकता हूँ, ठीक है? मेरे पास पैसा है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से कर्जा लेके आऊँगा, ठीक है? कॉल करूँगा तो जो भी आप बात कर लेना, जैसा भी, ठीक है? हो सकता है कोई भी काम होगा तो मैं आपकी कोई भी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है? तो अभी एकदम बिंदास रहो, जा सकते हो घर के लिए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? खुश हो ना आप? घर के लिए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और कॉल कर देना जैसा भी,